हेलो पिला माने ये होची मोर यूट्यूब चैनल है जो ओडिया लाइव जेके सी क्रिएशन के को तुम मानक स्वागत। देखो पिला माने आमे आगुरु पढ़ी सप्तम श्रेणी विज्ञान बहर षष्ठ अध्याय ताप संचरण विभिन्न माध्यम गुड़ी भल भाव देखी और तार प्रश्न उत्तर गुड़ी भल भाव देखी थे। वर्तमान आम देखा सप्तम अध्याय पापाग जलवायु और उपयोजन भाग एक को आम भल भाव देखने। जदि मोर यूट्यूब चैनल टी तुमको भल लगु थाए लाइक सेयार आउ सब्सक्राइब कर घंटी बटन को दयापाई जम्मार भूल। देख पे आज बर्तमान आम जाना सप्तम श्रेणी विज्ञान बहर सप्तम अध्याय आम पापाग जलवायु और उपयोजन विषय शिखा देखा जाणवा है कि ना। पापाग आ जलवायु भितर बहुत प्राय पखापाखि सामंजस्य अच्छी है उपयोजन है कमी रहा है। देख जलवायु प्रभाव सका आ संज बेले देखि पे तुम्हें थंडा अनुभव कर सका देखि मध्यान कि बेस गरम अनुभव कर सेमती ग्रीष्म काल में टाण खरा जो तुम विद्यालय सब सकालुआ होता है आ बेसी जो खरा हुए से तुम स्कूल गुड़िक कॉलेज गुड़िक बंद कर ठीक अच्छे ना खरा छुट्टी हुए। हाँ शीत दिने सका बुलीगले घन कुहुड़ी हो देखि शीत दिने तुम देखि पाग टे कुड़िया कुड़िया पाग थी धूआलिया पाग थी से कुहुड़ी कौच देख देख भाविल बर्षर सबुदिन कौन आकाश निर्मल रोच पे सब वे आम आकाश निर्मल रो न थाए सबुदिन कौन झिपिझि बर्षा होना कि सब वे खरा हुए ना तो बर्षर अलग अलग समय अनुसार कौन हो परिवर्तन देखा जाए जोटा को आम पापाग आ जलवायु बोली आम कही था। देख पे साधारणतः देख साधारणतः आकाश में मेघ ढांकी अथवा बर्षा होते आम मेघुआ पाग बोली कहते कि बाहर जदि कुहुड़ी आम सेपरी पाग को कुहड़िया पाग बोली कहते कहते कि नापर देख बर्षा दिने विद्यालय को कौन नहीं आसवाक तुम्हें भूली न था। देख पे आम विद्यालय को जिते बर्षा दिन आसू है से बर्षा दिन आम कौन करूँ ना छता नहीं कि आसवाक भूलुनु कि रेनकोट नहीं कि आसवाक भूलुना कारण खरा और बर्षार तुम्हें निश्चय छता व्यवहार करा दिन भी आम छतार व्यवहार कर बर्षा दिन भी आपको व्यवहार कर अल्प वर्षा सहित अधिक खरा हेले तुम्हें कौन अनुभव कर गुड़गुड़ी अनुभव कर शीत दिन में आकाश निर्मल था कि सूर्यकिरण भी ठीक रूप से पड़ता है कितु तुम शरीर को थंडा लग तुम्हें गरम पोशाक सब पिंधि था कौन एक दिन एक देख पे बर्तमान देखा कौन से एक दिन एक समय वायुमंडल अवस्था को हिं कहु पाग है कि नहीं कौन 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 गोटे दिन मन धरने आज है आज कौन होना गोटे निर्दिष्ट समय गोटे है एक समय वायुमंडल अवस्था को है कि नहीं तीनटा बेलू जो पाग थी चार्टा बेलू से पाग रही ना बुझे कि ना तो सहीटा को कह पाग पाग देखी उत्सव मेला खेल इत्यादि सब दिन को धार्य कर तेज बेले बेले देखि पे पाग खराब जो एभली कार्यक्रम गुड़ी आम बंद कराया बाध्य कि नापर आसला पापाग है कि ना तुम्हें जाण जे चाषी मैंने पाग देखिक ही धान बुणापी है सजबाज हमें रेडियो टेलीविजन माध्यम रे पागर आगुआ अनुमान आजिकल समस्त को जणाई दिया जाउची है कि ना टेलीकास्ट करी संवाद पत्र मान पागर विवरणी दौंट झड़ और बात्या आसवाक जिला प्रशासन मछधराली मान तथा समुद्र उपकूलवर्त अंचल विपद अच्छी बोल कि संकेत और निर्देशनामा दिखती दौर कि ना डाकवाज यंत्र द्वारा कहते टेलीविजन रे संवाद परिवेषण परे पाग विषय विवरणी देला बेले किछि चित्रगत संकेत व्यवहार करी पागर सूचना दे अछन्ति देखि थिबो तुम अंचल रे धान बुणिबा कोउ दिन आरंभ होय पिला माने प्राय साधारण भाबरे जून मास हला जून मास बळकु आरंभ होउछि कि नै सेई पर्व को आमे कोन कहउछति देख आमे जोटा कि खाउछन्ति जोटा सेटा नुआ खाइ हला कि नै चित्त लागि अमावस्या रे आमे कोन करछि धान रोपुछति हला कि नै हला बा जोटा को आमे कहउछन्ति कि पर्व धान बुणा पर्व है कि ना से दिन अनुकूल करुच्च कि ना धान अनुकूल करा कि ना अन्य एक मुख पर्वर नाम कह जोटा कि पर्व कौ मस कर पिले देख साधारण भाव में आम जून मस पर्वटा को पालन कर नहीं पे हाँ कर रज पाखापाखी हेल्ले कर नहीं रे हाँ देख तापर टेलीविजन रे संवाद परेषण समय आम देखि भारत विभिन्न स्थान मानक पागर पूर्वानुमान सूचाईवाई कौ कौ संकेत सब व्यवहार कर देख पे लक्ष्य करगुड़ी संकेत नाम आकार खातार आंकवा और देख पे यहाँ छाड़ यहाँ तुम कर आस संकेत गुड़िकर प्रयोग शिखा आउ निम्न दे चित्र देख एटा एमती थे सूर्य बाहर थे आम देखा जा मैंने कि पाग निर्मल पाग जान आदि सूर्य प्रखर किरण एम थी तेल एटा कह टाण खरा पाग बेसी खरा जो बारटा घंटा बेलू जोटा हुए तपर देखि एमती जदि पृथ्वीपृष्ठ देखे कौन एटा है गोटे आकाश रही कि ना आकाश देती मैंने यू कहें मेघुआ पाग बोली देखिए ये चिन्ह जदि अच्छी तेल टीपी टीपी वर्षा पाग बोली आम कहवा कह कि ना देख तापर देखा यही पागटा जो देखु सबुआ धड़ा धड़ा देखा जाने कहवा कुहुड़िया पाग कौन कह कुहुड़िया पाग
ଆଉ ଦେଖ ଯଦି ଛତାର କଲର୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ଛତା ଚିହ୍ନ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଜୋର ବର୍ଷା ପାଗ ବର୍ଷା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦୈନିକ ପାଗ କିପରି ଥିଲା ମନେ ପକାଇ ଖାତାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମେ କରିବ ହେଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଗ ରବିବାରେ ହେଲା ଗତ ସପ୍ତାହ ଆଉ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଯାଇଥିବା ସପ୍ତାହ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ସପ୍ତାହ ହେଲା ରବିବାରେ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ହେଲା ଏକରେ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରଣଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ କି ପାଗ ଥିଲା ସେଇଟା ଚିହ୍ନ କରିକି କରିବ ହେଲା ଖରା ପାଗ କି ବର୍ଷା ପାଗ ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା ସୋମବାର କି ପାଗ ଥିଲା ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର କି ପାଗ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଦେଖ ଦିନର ସମୟସୀମା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦିନର ସମୟସୀମା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତୁମ ଘରେ ଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବା ପଞ୍ଜିକାରେ ଦୈନିକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆସନ୍ତି ହେଲା ଏଥିରୁ ଦିନ ଓ ରାତି ସମୟ ଅବଧି କେତେ ତାହା ଜାଣି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଶୀତ ଦିନରେ ରାତିର ଅବଧି ବଢ଼ି ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଏ ହେଲା ରାତି କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶୀଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଆଉ ଡେରିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଠି ଶୀତଦିନେ କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ତା'ର ଓଲଟାଟା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟର ଏକ ସୂଚନା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଜୁଲାଇ ମାସର ହେଲା ଏକ ତାରିଖଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କେତେଟା ହୋଇଥିଲା 5:23 ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କେବେ ହେଲା କେତେବେଳେ ହେଲା 6:37 ଦଶରେ କେତେ ଦଶବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ 5:25 ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଗଲା 6:35 ଦେଖୁଛ ନା କମି କମି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖ 20 ବେଳୁ ଦେଖା ହେଲା 5:28 ହେଲା ଇଆଡ଼େ ଲେଟ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ଏ ସରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଟା କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କେତେବେଳେ ହେଲା 6:32 ଜଲ୍ଦି ହୋଇଗଲା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ 31 ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 5:32 ହେଲା ଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ ବଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି କମି କମି ଯାଉଛି ହେଲା କି ନାହିଁ ସମୟଟା ଉପର ସାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଥିର ରହୁନାହିଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଣୀକି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ଟିକେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଉଛି ଏହି ସାରଣରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଉପର ସାରଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରଥମ ଦିନ 10 ରହିଥିଲା 10 2 ବଢ଼ିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଲା 10 ଦ୍ୱିତୀୟ 10 କ'ଣ ହେଲା 3 ତୃତୀୟ 10 କ'ଣ ହେଲା ନା 4 ଅଟେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଲା 10 2 ହେଲା କି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ 10 କ'ଣ ହେଲା 3 ତୃତୀୟ 10 4 ହେଉଛି ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି କି ନାହିଁ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମ ଘରେ ଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବା ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ଆଗାମୀ ମାସ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯଦି ଆଉ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପାଣିପାଗ ବିବରଣୀ ଦେଇଛି ଏଠି ହେଲା ଦେଖ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ କେତେ ରହିବ 35.7 ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସବୁଠୁ କମ୍ ରହିବ କେତେ 26.4 ଦେଇଥାଉଛି ସବୁ ପେପରରେ ଦେଖିଥିବ ଆର୍ଦ୍ରତା କେତେ ରହିବ ନା ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଲା କେତେ ରହିବ ନା 92 ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଉ 61 ଭାଗ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 5:32 ହେବ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 6:14 ହେବ ଏଇଭଳିଆ ତୁମକୁ ଦେଖିଥିବ ପେପରରେ ସାଇଡ଼୍କି କଟିଂ କରିକି ଦେଇଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ମନେ ରଖ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅପରାହ୍ନରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ 12 ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେବେଳେ ରହୁଛି ଭୋର ସକାଳଟା କମ୍ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏପରି ବିବରଣୀକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆର୍ଦ୍ରତାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କଣିକା ଜଳକଣିକାର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ହିସାବ କରାଯାଏ ଏହି ହିସାବର ପ୍ରଣାଳୀ ତୁମେ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ି ଯଦି ଗଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଝାଳ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ ବାୟୁରେ ଯଦି ଆର୍ଦ୍ରତା କମିଯିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖିଥିବ ଶୀତ ଦିନେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ବଡ଼ି ଲାଗୁଥିବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କହିପାରିବ କି ଦେଖ ଓଦାଲୁଗା ଶୁଖିବାର ଆର୍ଦ୍ରତା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଓଦାଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ଦେଖିବ ହେଲା କ'ଣ ହେଉଛି ଓଦାଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓଦାଲୁଗା ଶୁଖିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଶୀତ ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣଟା କ'ଣ ଥାଏ କମ୍ ଥାଏ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଥାଏ ତେଣୁ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଶୀତଦିନେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖାଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ଷାରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଯେଉଁ ଓଦାଲୁଗାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖାଏ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଓଦାଲୁଗା ବର୍ଷା ଦିନେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ ହେଲା ବର୍ଷର କେଉଁ ମାସରେ ଓ କେଉଁ ଋତୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ ଓ କେଉଁ ମାସରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥାଏ ଦେଖିଲ ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତାଟା ଅଧିକ ରହିବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହେଲା ଆଉ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେଲା ଶୀତ ଋତୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ କମ୍ ଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ
एक विशेष सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा व्यवहार करा जाए वृष्टि मापक यंत्र व्यवहार करी कौन स्थान में वृष्टिपात परिमाण को आम मापी पारा पवन रेग मापिया आम आनिमोमीटर व्यवहार कर पवन रेग मापिया कौन आनिमोमीटर व्यवहार कर आर्द्रता मापिया हाइग्रोमीटर व्यवहार कर आर्द्रता वायुमंडल में आर्द्रता कैसे अच्छी मापिया हाइग्रोमीटर और पवन रिग निर्धारण पवन मानक यंत्र दिग्बारणी यंत्र व्यवहार कर पवन मानक मापिया मानक यंत्र व्यवहार कर दिग मापिया दिग्बारणी यंत्र चाप मान यंत्र साहय वायुर चाप बारोमीटर द्वारा आम वायुर चाप मापुच वायुचाप तारतम्य हेले पवन रवन कौन होता है जोटि कम थाएँ जो अधिक थाए अधिक अंचल कम अंचल को प्रवाहित होता है पवन उच्च चापमान स्थान लघुचाप विशिष्ट स्थान को बही थाएस यंत्र विषय आम व्यवहारिक भौगोलिक आम आगु देखी चाहते है देख तापर देख आगे देख तुम शिक्षक साहय पाणीपाग ऑफिस को जाकि आम संग्रह करवा सारणटा को लिखा देख यहाँ संग्रह करके लिखाई भुवनेश्वर में हाराहारी वृष्टिपात और तापमात्रा विषय लिखाई देख जानुरी मसने ला 13.1 वृष्टिपात था मिमि है मिलीमिटर में मापा जाए है सर्वोच्च तापमात्रा था 28.5 सर्वनिम्न तापमात्रा था के 15.5 सेमती फेब्रुआरी मस बेलू जो देखा है वृष्टिपात था 25.5 और सर्वोच्च तापमात्रा था 31.6 आ सर्वनिम्न है 8.6 मार्च मस देखे 25.2 था वृष्टिपात है सर्वोच्च तापमात्रा था 35.1 और सर्वनिम्न था 22.3 एप्रिल मस जो देखे 30.8 था वृष्टिपात मिलीमिटर में है आउ सर्वोच्च तापमात्रा था 37.2 है आउ सर्वनिम्न था 25.1 बुझिपार तापर देख मे मसरे सेमती 68.2 मिलीमिटर वृष्टिपात था है कि नहीं सर्वोच्च तापमात्रा था 37.5 आउ सर्वनिम्न था 26.5 तापमात्रा सेमती जून मसरे जो देखे 204.9 मिलीमिटर वृष्टिपात था बुझा कि नहीं आउ सर्वोच्च तापमात्रा था 35.2 और सर्वनिम्न तापमात्रा था 26.1 सेमती जिते जुलाई मस क्या देखे 326.2 मिलीमिटर वर्षा होता है सर्वोच्च तापमात्रा से 32.0 ये सर्वनिम्नटा था 25.2 बुझिपाल तापर जिते अगस्ट मस क्या देखे 366.8 मिलीमिटर वृष्टिपात था आउ सर्वोच्च तापमात्रा था 31.6 सर्वनिम्नटा होता 25.1 सेप्टेम्बर मसरे सेमती 256.3 वृष्टिपात मिलीमिटर में आम एति मिलीमिटर वर्षा होता आउ सर्वोच्च तापमात्रा था 31.9 सर्वनिम्नटा था 24.8 सेमती अक्टोबर मसरे 190.7 मिलीमिटर वर्षा होता आउ तापमात्रा था 31.7 सर्वनिम्नटा था 23.0 नवेम्बर मसरे सेमती 41.8 था वृष्टिपात मिलीमिटर में है आउ सर्वोच्च तापमात्रा था 30.2 आ सर्वनिम्नटा था 18.8 यापर देख डिसेम्बर मसरे 4.9 मिलीमिटर वर्षा होता आउ 28.3 हूँ हाइस्ट तापमात्रा था मसटा जारे आउ सब कम थी से मसरे 15.2 तापमात्रा डिग्री सेलसीयस है भारतीय पाणीपाग विभाग सूत्र उपलब्ध निम्न में भुवनेश्वर 9 दिन में 2009 मसीहा जून 1 तारिखर जून 9 तारिख पर्यंत सर्वोच्च तापमात्रा तापमात्रार कौन करापमान गोटे सारणी देखिए देख ए देख 1/6/2009 सर्वोच्च थी के डिग्री भुवनेश्वर एटा पे है 39.5 डिग्री सेलसीयस थिला 2 तारिख में 2/6 के 39.5 डिग्री सेलसीयस 3 तारिख में देखला बड़ू जना पड़ा जे 39.6 थिला बुझला कि ना तापर 4 देख 40.6 बढ़ी बढ़ी जाइए ना तापर 5 रे जेतल देखले 41.6 हो गला हला सेमती 6 तारिख में जितने देखे 41.0 होगा पुणी कमला 7 तारिख जितने देखे 42 1 डिग्री बढ़ीगला 8 जो देखे से 42 रहा आमिलानी बढ़लानी है 9 तारिख कौन हो देख 41.0 होगा आगे गोटे डिग्री कमीगला तो यहाँ तार रेटा है रेटा तापर देख अगस्ट मसर प्रथम सप्ताह प्रतिदिन तापमात्रा पर्यवेक्षण कर गोटे चार्ट्रे टिपि रखा देखिए देख पाला अगस्ट पहला सकाल 8 घंटिया समय मध्यान 12 घंटिया समय अपराह 4 घंटिया सर्वोच्च तापमात्रा कैसे थिला आउ सर्वनिम्न तापमात्रा कैसे थिला देख पाला 8 घंटिया बेलू गोटे मापियो लिखो आउ मध्यान बेलू गोटे मापियो लिखो है अपराह बेलू गोटे मापिक लिखो ता भितर कोटा सर्वोच्च आउ कोटा सर्वनिम्न लिखो बुझला कि ना एमती सब जगह सारणी में करियो है पिकनिक करके करियो है तब देख बाघ पर्यवेक्षण निम्न में गोटे सारणी दिया जाए जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर पर्यवेक्षण कर सारणटा को लिखो है देख कि पाग थी लिखो पाग निम्न है शुखला पाग जुलाई मसरे शुखला पाग थिला अगस्ट आउ है 2 तारिख में कौन थिला झिपिझिप वर्षा तापर 3 तारिख देखला बेलू वर्षा पाग होपर एमती सब है खरा है वर्षा है एमती सब कौन कर जोड़ा जोड़ा तुम अनुभव करा सब लिखो सेमती अगस्ट मस लिखो अगस्ट मस खाली वर्षा होता लिखो एटा वर्षा है वर्षा पाग बुझे कि नहीं सब लिखो कौन वर्षा पाग
सेप्टेम्बर भी वर्षा पाग है आउ कौटे खरा था जो दिन खरा थी खराब पाग लिख है आउ जो दिन मेघुआ थी मेघुआ पाग लिख है भी तुम फिलअप कर पार बुझिपार तुम्हें जानापी 1998 ठू 2006 वर्ष मध्य भुवनेश्वर सहर सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा दिखाई देख पाने के 1998 रु है कैसे 2006 पर्यटन देखिए 1998 सर्वोच्च थी 45.9 डिग्री सेलसीयस सर्वनिम्न थी 29.5 डिग्री है कि ना जमी अनेस पद बड़ी देखा बेलू 42.2 सर्वोच्च थी और सर्वनिम्न थी 14.9 देख 2000 मसीह बड़ी देखा सर्वोच्च है 42.5 डिग्री सेलसीयस और सर्वनिम्न थी 19.5 डिग्री सेलसीयस 2001 बड़ी जिते देखिले 44 डिग्री सर्वोच्च थी और सर्वनिम्न थी 11.5 डिग्री है कि ना देख 2002 देखा बड़ी 46.1 डिग्री सेलसीयस थिला सर्वोच्च और सर्वनिम्न थिला 20.5 डिग्री सेलसीयस 2003 बेलू से कौन है ना सर्वोच्चा है 44.9 और सर्वनिम्न सब कमटा है 27.5 2004 45.1 डिग्री सर्वोच्च थी सर्वनिम्न थी 20.5 एमती है 2005 बेलू के 46.3 डिग्री थी सर्वोच्च सर्वनिम्न है 13.6 2006 बेलू जिते देखे 41.3 हूँ सर्वोच्च थी और सर्वनिम्न है 9.5 डिग्री सेलसीयस है एमती बढ़े कमे है तापमात्रा सब सामान रहे ना उपरोक्त तथ्य नहीं कि आम ग्राफ कागज में व्यवहार कर एक स्तंभलेख प्रस्तुत करा तुम्हें करथिबा लेखाटी चित्र दि जाइए देख पाने चित्र माध्यम देखिए है जोटा बढ़ी बढ़ी एटा कमियाटा कमियाटा है यहाँ कौटा 1998 इन थी है बढ़ियाटा हूँ नील कलर आउ कमियाटा हूँ रेड कलर है एमती करके सब मसीहार ये ग्राफ चित्र देखिए देखिपार है उपरोक्त तथ्यवल जमापड़े विगत 9 वर्ष से सर्वोच्च तापमात्रा मध्य है कि ना 2005 रे होची सबुठ अधिक 2005 देख 2005 मसीह कौटे अच्छी 2005 रे सबुठ अधिक 46 डिग्री होती कि ना देखु है सबुठ कम को मसीह रही देख सबुठ सर्वनिम्न कम हो 2006 मसीह ना कहते हाँ 2006 रे है सर्वनिम्न अच्छी बुझिपाल ये जापार देख है यहाँ देखिए दैनिक पापागर रंग चित्र देखा एटा उष्म एटा वर्षा एटा शीत एटा निर्मल पाग है पागपाई देखिए बुझिपाल खरा थिले कौ कलर देखुन खरा थिले हलदिया कलर वर्षा थिले टिके रंग कलर शीत थिले गोलापी कलर आउ निर्मल थिले ब्लू नील कलर हला प्रतिदिन पई हला कैलेंडर नहीं कौन गोटे मसर रंग देवा जहाँकि से दिन पागर सूचना देव है पापागर संकेत तुम यहाँ जानव है करपर हाँ गोटे मसर रंग देव है कोई दिन कौपाग थी अनुसार रंग देव यहाँ जो दिन जोटा थी तुम कर चित्र कहल कि ना एक पापाग केन्द्र प्रदत्त कौन एक वर्षर हाराहारी कौन दिखाई तापमात्रा दिखाई तल सारण है देख देख ये देख दे कौन दे विभिन्न मसर तापमान है जानुरी मार्च सर्व सर्वनिम्नटा कम थी के 13.7 डिग्री सेलसीयस आउ सब अधिक थिला केते 27.2 डिग्री सेलसीयस है एप्रिल रे एप्रिल रु मे भितर गोटे मस रे केते सब कम थिला 26.2 आउ सब अधिक थिला 37.6 सेमती जिते देखाला जून आउ सेप्टेम्बर मस रे सर्वनिम्न कम थिला 23.6 डिग्री आउ सब अधिक थिला 32.6 डिग्री अक्टोबर आउ डिसेंबर रे जिते देखाला सब कम थिला 22.6 डिग्री आउ सब अधिक थिला 30.6 डिग्री सेलसीयस है उपरोक्त सारणी को आम देखिए देखिले तुम्हें विद्यालय सर्वोच्च सर्वनिम्न तापमात्रा को तुम पाने निजे करके टिपी रखियो गोटे सप्ताह हाराहारी तापमात्रा सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा तुम निजे बाहर करपार मन रख पाने पापागर अवस्था जानापी मौलिक उपादान गुड़िक मुख्य पापाग आम जानापी कौन करवा फास्ट जाना दरकार वायुमंडल तापमात्रा वायुमंडल तापमात्रा 2 आसो वायुर चाप वायुर चाप 3 आसो वायुर गति केमी गति अच्छी वायुर ताप 4 आसो बृष्टिपातर परिमाण 5 आसो बादल अवस्थित बादल कौ जगार अच्छी कौन 6 आसो आद्रता है देख पाने ये आमर पापाग अवस्था जानापी तेणु निर्दिष्ट स्थान में कौन से एक दिन 24 घंटार है कि ना गोटे दिन 24 घंटा अर्थ कौन गोटे दिन वायुमंडल विभिन्न अवस्था समय अनुसार विचार करके आम पापागर हाराहारी बरणी प्रस्तुत करें गोटे दिन पूरा है हाराहारीटा को लेकर आम पापाग जापर कि पाग गोटे घंटार है कि ना तो ये बर्तमान पापाग विषय जान लापर नेक्स्ट क्लास में आम देखा जलवायु विषय है तो मोर यूट्यूब चैनल तुमको जब भल लगुच्छी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर घंटी बटन को देवाई जम्मार भूलिया रोचे जय जगन्नाथ।